बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोजस वीवर्स, आज आपके लिए एक कनाल का 50x90 ब्रांड न्यू डबल स्टोरी घर खूबसूरत एलिवेशन के साथ आपके पास लेकर हाजिर हुआ हूँ। टॉप सिटी 1 न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ सेक्टर मेन बुलेवर्ड रोड के ऊपर खूबसूरत नज़ारा देखते हुए फ्रंट एलिवेशन खूबसूरत ब्यूटीफुल इटालियन टाइल्स के साथ ब्राउन कलर की टाइल्स और खूबसूरत एलिवेशन के साथ लेफ्ट साइड पर भी खूबसूरत ग्रीनरी मेन बुलेवर्ड रोड के ऊपर ये घर वाक़ है। तो अभी हम बात करते हैं इसकी एलिवेशन की खूबसूरती की। इटालियन टाइल्स ब्राउन कलर के साथ और जो है ग्रे कलर के, इसको जो है वो फ्रंट एलिवेशन की खूबसूरती के लिए ग्लास के साथ डिज़ाइन किया गया है और खूबसूरत इंतहाई खूबसूरत वुड कलर में जो है इसका गेट वो डिज़ाइन किया गया है और बाहर की जानब भी इटालियन टाइल्स और इसके साथ साथ खूबसूरत ग्रीनरी। और अगर हम बात करें इसके रैंप की तो यहाँ पर भी ग्रे नाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। तो व्यूअर्स, अभी आपको अंदर से इसका विज़िट करवाते हैं। तो ये 50x90 साइज़ का घर है। जैसे ही हम एंटर होते हैं और खूबसूरत व्यू के साथ 2 डोर्स एंट्री डोर्स इसके रखे गए हैं और यहाँ पर भी ग्रे नाइट्स टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। और इसी तरह जो है इसकी अगर हम ये टॉप की बात करें तो वुड कलर में खूबसूरत पार्किंग की ये टॉप है, 2 फैंस खूबसूरत और यहाँ पर 3 से 4 गाड़ियाँ इजीली आप खड़े कर सकते हैं। और राइट साइड पर भी ओपन एरिया इसका दिया गया है, उधर भी एक गाड़ी खड़ी करने की जगह है। और इसी तरह अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो 5 फीट वाइड की CDA और RDA के लॉ के मुताबिक ये जो है एक गली रखी गई है। तो अभी हम अगर बात करें इसकी एंट्रेंस की स्टेयर्स की तो ब्राउन कलर के अंदर मार्बल के साथ इसको डिजाइन किया गया है। अगर इसकी बात करें हम वुड की दरवाजों की तो ये वुड के प्योरली जो है इसमें सॉलिड वुड सिंपली डिज़ाइन के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। देख रहे हैं 2 मेन एंट्रेंस के डोर है, एक को ऊपर की जानब के लिए रखा गया है और बड़े डोर को जो है वो ग्राउंड की एंट्रेंस के लिए रखा गया। अभी आपको अंदर से विजिट करवाते हैं। जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं एक खूबसूरत व्यू आपको देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड पर जो है वो ऊपर के लिए, ऊपर वाले फ्लोर के लिए स्टेयर्स दी गई हैं और मार्बल का इंस्टॉल किया गया है, लगाई गई हैं। और साथ ही फ्लोर टाइल्स की बात करें तो वाइट कलर की टाइल्स और गोल्डन और ब्राउन और ग्रे शेड के साथ खूबसूरत पूरे घर में टाइल्स जो हैं वो लगाई गई हैं। और डाइनिंग भी खूबसूरत जो सामने आपको देखने को मिल रहा है, अभी आपको अंदर से इसका डाइनिंग विजिट करवाते हैं। खूबसूरत इसकी सीलिंग्स, बेहतरीन फानूस आपको देखने को मिलेगा मेन एंट्री डोर। और इसको जो है डाइनिंग को ओपन रखा गया है, इंतहाई खूबसूरत व्यू के साथ इस घर को डिज़ाइन किया गया है। और इसकी अगर हम बात करें दोनों जानब जो है जो विंडोज़ बड़े साइज में डाइनिंग में दी गई हैं, खूबसूरत विंडोज़ हैं और ग्रे कलर के इसके ग्लास के साथ जो इसको डिज़ाइन किया गया है। और सीलिंग की अगर हम बात करें सिंपली इंतहाई खूबसूरत सीलिंग, LED लाइट्स और इसी तरह फ्लोर टाइल्स खूबसूरत। तो और बॉर्डर जो है ब्लैकिश कलर के मार्बल के साथ इसको डिज़ाइन किया। और लाउंज की बात करें, अभी हम लाउंज में आ गए हैं और खूबसूरत लाउंज टाइल उसी तरह सेम। और सामने वाली साइड पे 2 मास्टर बेडरूम्स दिए गए हैं और साथ इसके ओपन किचन, खूबसूरत किस्म का ओपन किचन रखा गया है। आप इसका व्यू जो है ओपन किचन का देख सकते हैं काफ़ी बड़े साइज में। और साथ किचन की एंट्रेंस पर कबर्ड्स भी दी गई हैं और किचन का जो है इसकी सीलिंग इंतहाई खूबसूरत सिंपली डिज़ाइन। और जो अपर कबर्ड्स हैं ब्लैकिश कलर में खूबसूरत अपर कबर्ड्स और इसके साथ हुड और मार्बल लोअर जो है इसकी कबर्ड्स, इसके ऊपर मार्बल टाइल का इस्तेमाल किया गया है और कबर्ड्स को वाइट कलर में, लाइट ग्रे कलर में जो है वो डिज़ाइन किया गया है। और इंतहाई खूबसूरत कबर्ड्स देखने को मिलेंगी। और इसके साथ साथ जो है यहाँ से लाउंज का भी आप नज़ारा कर सकते हैं,
ओपन किचन है और सामने वाली तरफ पर मास्टर बेडरूम, और ये किचन की कबर्ड्स हैं आप देख सकते हैं, इंतहाई खूबसूरत किचन में कबर्ड्स भी रखी गई हैं। और सामने वाली साइड पर भी जो है एक छोटा सा होल लगाया गया है, वॉशिंग एरिया, किचन एरिया, और साथ इसके एक डोर दिया गया है। इंतहाई खूबसूरत किचन को डिज़ाइन किया गया है। और अगर हम बात करें तो इसकी टाइल्स की, फ्लोर टाइल किचन की, वुड कलर्स के अंदर इंतहाई खूबसूरत टाइल्स जो है वो लगाई गई हैं। तो व्यूवर्स, अभी आपको इसका एक मास्टर बेडरूम विजिट करवाते हैं। जैसे ही किचन से निकलते सामने वाली साइड पर मास्टर बेडरूम्स हैं, एंटर हो चुके हुए हैं। सामने वाली साइड पर खूबसूरत विंडो, इंतहाई कुशादा ग्रे कलर के अंदर ग्लास हैं इसके, और एश वाइट कलर वॉल्स पर जो है वो पेंट किया गया है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं खूबसूरत कबर्ड्स, इंतहाई खूबसूरत कबर्ड्स वो भी दी गई हैं, और हाइड्रोलिक कबर्ड दी गई हैं। कंप्लीटली आपको कबर्ड्स का विजिट करवाते हैं। और इस कबर्ड के साथ वाली साइड पर वॉशरूम भी दिया गया है। और इसी तरह पूरे इस बेडरूम का आपको व्यू करवाते हैं, खूबसूरत वॉल्स और इसके साथ खूबसूरत टाइल, सॉलिड लकड़ी का डोर में इस्तेमाल किया गया है। और अगर हम सीलिंग की बात करें, ग्रे कलर का एक छोटा सा फैन, सिंपल सीलिंग, एलईडी लाइट्स, खूबसूरत नज़ारा। तो अभी आपको इसका वॉशरूम जो है वो अंदर से विजिट करवाते हैं। जैसे ही हम वॉशरूम में एंटर होते हैं, आपको खूबसूरत नज़ारा सामने वाली साइड पर देखने को मिलेगा। इस टाइल्स के साथ पूरे वॉशरूम को डिज़ाइन किया गया है, वुड कलर की टाइल्स और वाइट कलर, गोल्डन लाइट ब्राउन कलर। इसी तरह अगर हम बात करें इसकी सैनिटरी की, इंपोर्टेड सैनिटरी पोटा कंपनी की, फ्लोर टाइल्स वाइट कलर में खूबसूरत, और पूरा वॉशरूम इंतहाई गोल्डन कलर के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। वेंटिलेशन के लिए एक छोटी सी विंडो, एलईडी लाइट्स का मिरर दिया गया है, हैंड वॉश के लिए इंपोर्टेड सैनिटरी का इस्तेमाल किया गया है वुड कलर के अंदर, और साथ मार्बल के साथ गोल्डन कलर से इसको डिज़ाइन किया गया है। इंतहाई खूबसूरत इसका जो वॉशरूम है वो बनाया गया है। तो इसी तरह अभी आपको दूसरा बेडरूम आपको विजिट करवाते हैं। तो व्यवस्था इंतहाई खूबसूरत, जैसे निकले लेफ्ट साइड पर लाउंज का नज़ारा, एक बार फिर लेफ्ट साइड पर लाउंज का नज़ारा आप करें, इंतहाई खूबसूरत लाउंज का नज़ारा, ड्राइंग डाइनिंग और लाउंज के साथ। इसी तरह ऐसे राइट साइड पे आते हैं, किचन है, और इसके साथ एक और मास्टर बेडरूम है सामने वाली साइड पे, उसकी जानब बढ़ते हैं, अंदर से आपको विजिट कराते हैं। सॉलिड वुड के साथ इसके डोर जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं, खूबसूरत एश वाइट कलर की वॉल्स पर एश वाइट कलर है। सामने वाली साइड पर दो नाइट के लिए लाइट्स लगाई गई हैं, विंडो खूबसूरत एश वाइट कलर वॉल्स पर, और फ्लोर टाइल्स की बात करें तो वाइट और गोल्डन और ग्रे कलर के शेड्स के साथ खूबसूरत नज़ारा। इसी तरह अगर कबर्ड की बात करें, खूबसूरत कबर्ड्स भी जो हैं मार्बल स्टाइल कलर्स में कबर्ड्स दी गई हैं, और बड़े साइज की, और साथ जो है ड्रेसिंग मिरर एक रखा गया है वो भी खूबसूरत लगाया गया है। और इसके साथ पूरा व्यू आपको इस बेडरूम का, मास्टर बेडरूम इंतहाई खूबसूरत, इसमें स्पेस दी गई है। और सीलिंग की बात करें, खूबसूरत सीलिंग सिंपली डिज़ाइन की गई है, एलईडी लाइट्स, इंतहाई खूबसूरत नज़ारा। तो अभी आपको इसका वॉशरूम जो है वो अंदर से विजिट करवाते हैं। ये कबर्ड के साथ ही राइट साइड पर इसके वॉशरूम का नज़ारा, जैसे ही सामने वाली साइड पर देखते हैं वॉशरूम में खूबसूरत टाइल्स मार्बल्स की लगाई गई हैं, गोल्डन ग्रे और वाइट कलर की टाइल्स लेफ्ट और राइट साइड पर खूबसूरत। इसमें जो है इंग्लिश सीट, वेंटिलेशन के लिए विंडो और एलईडी मिरर, हैंड वॉश के लिए खूबसूरत सैनिटरी इंपोर्टेड ग्रे कलर के साथ गोल्डन और वाइट कलर, इंतहाई खूबसूरत वॉशरूम जो है एलईडी। अगर हम सीलिंग की बात करें वो भी इंतहाई खूबसूरत नज़ारे के साथ वॉशरूम आपको देखने को मेरा, इंपोर्टेड सैनिटरी का इस्तेमाल किया गया। तो अभी बढ़ते हैं इसकी लाउंज की जानब, और इसके साथ सामने छोटा सा स्टोर भी दिया गया है, इसका बाहर से भी आपको नज़ारा कराते हैं। ये छोटा सा स्टोर है वो भी साथ रखा गया है किचन के साथ।
तो व्यूवर्स अभी आपको इसका ऊपर वाला पोर्शन दिखाते हैं, ये जो एरिया है लाउंज के साथ गुजरने का, यहाँ पर भी एलईडी लाइट्स, सीलिंग इंतहाई खूबसूरत, एंट्री डोर। तो राइट साइड पर इसकी जो है वो स्टेयर्स हैं, ग्रे कलर के मार्बल के साथ स्टेयर को डिजाइन किया गया है, और स्पोर्ट्स के लिए ये ग्लास सिंपल और गोल्डन कलर में ये स्टील का यूज किया गया है। इंतहाई खूबसूरत नज़ारा, खूबसूरत मार्बल के साथ स्टेयर जो है वो डिजाइन की गई है, इंतहाई खूबसूरत गोल्डन कलर। तो व्यूअर्स अभी हम जो है इसकी ऊपर वाले फ्लोर में लॉबी में आ चुके हैं। सामने वाली साइड पर ड्राइंग डाइनिंग का खूबसूरत डोर आपने आपको देखने को मिल रहा है, और ये लाउंज की जो सामने वाली एरिया है वो आप सामने मास्टर दो बेडरूम्स है। व्यूअर्स अभी आपको इसका टेरेस विजिट करवाते हैं, खूबसूरत सॉलिड वुड का डोर टेरेस पर एंटर होते टेरेस की तरफ। सामने वाली साइड पर मेन बुलेवर्ड रोड, खूबसूरत ग्रीनरी, अभी आपको इसका व्यू करवाते हैं टेरेस का। काफ़ी खुला टेरेस है, सिटिंग एरिया के लिए ये रखा गया है, खूबसूरत ग्लास स्टेनलेस स्टील की सपोर्ट साथ दी गई है, और खूबसूरत नज़ारा। टॉप सिटी वन न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर मेन बुलेवर्ड रोड के ऊपर ये घर का आप नज़ारा कर रहे हैं। 50x90 एक नाल डबल स्टोरी घर, इटालियन टाइल्स ब्राउन कलर की ऊपर वाले फ्लोर पर, और ग्रे कलर के ग्लास का इस्तेमाल किया गया मार्बल, इंतहाई खूबसूरत नज़ारा। मेन एंट्रेंस के साथ ही आपको ये घर देखने को मिलता है। तो अभी अंदर से आपको जो है इसका अपर पोर्शन वो विजिट करवाते हैं, दाखिल होते हैं। सामने वाली साइड पर दो डोर जो है वो बेडरूम्स के, और इसी तरह लेफ्ट साइड पर एक और मास्टर बेडरूम अभी अंदर से आपको विजिट करवाते हैं। फ्लोर टाइल्स इंतहाई खूबसूरत वाइट और ग्रे कलर के अंदर, इंतहाई खूबसूरत। सामने वाली साइड पर विंडो, वॉशरूम, इसी तरह कबर्ड खूबसूरत और ग्लास वाली कबर्ड, और इसी तरह सीलिंग की बात करें, इंतहाई खूबसूरत सीलिंग, ग्रे कलर का फैन और एलईडी लाइट्स। अभी कबर्ड्स आपको विजिट कराते हैं, हाइड्रोलिक कबर्ड्स, अच्छी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ साथ वॉशरूम रखा गया है, वॉशरूम अंदर से आपको विजिट कराते हैं। जैसे ही वॉशरूम की जानब बढ़ते हैं तो टाइल्स ए टू जी जो टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है वॉल्स पर भी और फ्लोर पर भी, इम्पोर्टेड सैनिटरी, इसी तरह एलईडी जो है वो ये दिया गया है मिरर, और हैंड वॉश के लिए खूबसूरत वाइट कलर में इम्पोर्टेड सैनिटरी का इस्तेमाल किया गया है। खूबसूरत व्यू के साथ ये वॉशरूम बनाया गया है। तो अभी इसी तरह आपको जो है इसके दो मास्टर बेडरूम और हैं, ऊपर तीन मास्टर बेडरूम दिए गए, वो आपको विजिट करवाते हैं। इस बेडरूम से एग्जिट होते ही आपको लेफ्ट साइड पर जो है वो लाउंज देखने को मिलेगा, और ये लाउंज का नज़ारा, खूबसूरत लाउंज, खूबसूरत फनूस, सीलिंग इंतहाई खूबसूरत, एलईडी लाइट्स, लाइट दो, मास्टर बेडरूम, और इसी तरह जो है ओपन ड्राइंग डाइनिंग, उसका भी खूबसूरत नज़ारा, वहाँ पर भी खूबसूरत फानूस और ग्रे कलर के फैंस, और कॉर्नर पर विंडो दी गई है, और खूबसूरत वॉल्स का नज़ारा आप देख सकते हैं। एश वाइट कलर जो है वो ऑलमोस्ट इस घर में उसका यूज़ किया गया है, और इसी तरह किचन भी ऊपर दिया गया है। यहाँ पर जो किचन है वो ग्रे कलर में, ग्रे और ब्लैकिश कलर के साथ, ग्रे ब्लैकिश और वाइट, और अगर हम बात करें किचन की फ्लोर टाइल्स की वुड कलर्स के अंदर, इसके अंदर टाइल्स जो है वो लगाई गई हैं, इंतहाई खूबसूरत नज़ारा किचन का, कबर्ड्स खूबसूरत, और इसी तरह जो मास्टर बेडरूम अंदर से विजिट करवाते हैं, सॉलिड वुड का इस्तेमाल किया गया डोर पर। जैसे ही अंदर की जानब बढ़ते हैं वॉल्स पर एलईडी लाइट्स, और इसी तरह सामने विंडो एक कुशादा रखी गई है, यहाँ पर भी एश वाइट कलर का इस्तेमाल किया गया है, और फ्लोर टाइल्स वाइट कलर की खूबसूरत ग्रे शेड्स के साथ, और सीलिंग की बात करें इतनी खूबसूरत सिंपल सीलिंग और एलईडी लाइट्स, एक छोटा सा फैन ग्रे कलर में। इसी तरह जो कबर्ड्स दी गई हैं वो मार्बल स्टाइल कलर्स में कबर्ड्स दी गई हैं, और ड्रेसिंग ग्लास के साथ कबर्ड्स हैं, और खूबसूरत कबर्ड्स बड़े साइज में, इनके अंदर बॉक्स भी बड़े खूबसूरत। इसके साथ साथ एक किचन सॉरी वॉशरूम दिया गया है, और अभी अंदर की जानब बढ़ते हैं वॉशरूम में,
खूबसूरत वॉशरूम, सामने वाली साइड पर मार्बल टाइल्स डार्क ग्रे, लाइट ग्रे, वाइट ग्रे कलर में, और फ्लोर टाइल्स लाइट कलर में है, और इसी तरह गोल्डन कलर में एक्सेसरीज लगाई गई हैं, इंपोर्टेड एक्सेसरीज, इंग्लिश सीट है, और इसके साथ साथ छोटा सा मिरर दिया गया है, एलईडी लाइट्स, हैंड वॉश के लिए इंपोर्टेड सैनिटरी ग्रे और वाइट और गोल्डन कलर के साथ इसको डिजाइन किया गया है, इंतहाई कुशादा वॉशरूम। तो इसी तरह बाहर की जानब बढ़ते हैं, आपको इसका तीसरा जो है वो मास्टर बेडरूम वो आपको विजिट करवाते हैं। निकलते ही इंतहाई खूबसूरत नज़ारा लाउंज का, ड्राइंग डाइनिंग का, और इसके साथ ही एक ये मास्टर बेडरूम की एंट्री, एंटर होते हैं। फ्लोर टाइल्स वाइट कलर की, वॉल्स पर ऐश वाइट कलर के साथ डिज़ाइन किया गया है, और सीलिंग की बात करें खूबसूरत सीलिंग इस रूम की, और एक फैन खूबसूरत ग्रे कलर का, इसके साथ साथ विंडो बड़ी खूबसूरत दी गई है, और कवर्स जो हैं वो इसको भी वुड कलर के अंदर जो है मार्बल स्टाइल में वो लगाया गया है, ड्रेसिंग ग्लास साथ दिया गया है, खूबसूरत कवर्स लगाई गई हैं, और इसके साथ वॉशरूम एक अटैच वॉशरूम है, और इंतहाई खूबसूरत वॉशरूम ब्लैकिश कलर के अंदर टाइल्स दी गई हैं बैक पर, फ्रंट पर, और साथ लाइट ग्रे कलर की टाइल्स हैं, नीचे भी लाइट जो ब्राउन कलर की टाइल्स हैं, इंतहाई खूबसूरत सीलिंग एलईडी लाइट्स के साथ, और जो गोल्डन कलर में एक्सेसरीज लगाई गई हैं, और छोटे से वेंटिलेशन के लिए विंडो, इंग्लिश सीट, हैंड वॉश के लिए ब्लैकिश और गोल्डन कलर और वाइट कलर का इस्तेमाल किया गया है, एलईडी लाइट्स का एक मिरर भी एलईडी लाइट्स वाला वो दिया गया है, इंतहाई खूबसूरत नज़ारा है वॉशरूम का। तो अभी आपको इसी तरह जो है बाकी ओवरव्यू इस बेडरूम का करवाते हैं। ये इन खूबसूरत स्पेस के साथ ये बेडरूम है, इंतहाई खूबसूरत विंडो है। इसी तरह अभी बाकी आपको इसका टॉप जो है वो विजिट करवाते हैं व्यूअर्स। अभी हम बढ़ रहे हैं इसकी टॉप की जानब, लॉन्च से गुजर रहे हैं, हमारे राइट साइड पर भी उसी तरह वो जो पहले आपको बेडरूम विजिट करवाया, और इसी तरह इस बेडरूम के साथ जो ऊपर जाने के लिए ये स्टेयर्स दी गई हैं, डार्क ब्राउन कलर के अंदर मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, सिंपल ग्लास और गोल्डन कलर के साथ स्पोर्ट्स स्टेयर की दी गई है, ऐश वाइट कलर वॉल्स पर लगाया गया है, और जैसे ही ऊपर एंटर होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस की ये लॉबी आपको देखने को मिलती है, और सामने वाली साइड पर वेंटिलेशन के लिए खूबसूरत विंडो, खूबसूरत डोर। व्यूवर्स अभी हम इस घर की टॉप पर आपको ये नज़ारा दिखा रहे हैं, ये आपको वाटर टैंक काफ़ी बड़े साइज में देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ वो जो सामने तीन डोर आपको देखने को मिल रहे हैं, राइट साइड पर एक छोटा सा किचन सर्वेंट के लिए रखा गया है, और जो उसके साथ वाला डोर है वो सर्वेंट का जो रखा गया है बेडरूम सर्वेंट के लिए। अभी अंदर से आपको विजिट करवाते हैं, सर्वेंट के लिए जो किचन बनाया गया है उसका नज़ारा करवा रहे हैं। खूबसूरत सिंपल वॉशिंग एरिया भी अंदर दिया गया है, सर्वेंट का बेडरूम जो है वो अंदर से आपको विजिट करवाते हैं, इंतहाई खूबसूरत प्रॉपर बेडरूम यहाँ पर भी दिया गया है। जैसे ही आप एंटर होते हैं फ्लोर टाइल्स वाइट कलर की, और इसी तरह जो है खूबसूरत बेडरूम टाइप ही बनाया गया है, फ्लोर इसकी अगर टॉप की बात करें सीलिंग की तो यहाँ पर भी सीलिंग दी गई है, एलईडी लाइट्स है, और इसके साथ अटैच वॉशरूम भी दिया गया है। अंदर से विजिट करवाते हैं आपको वॉशरूम, दाखिल होते ही सामने आपको टाइल्स देखने को मिलती, और यहाँ पर भी वॉल्स पर वॉशरूम में सारी वो लाइट और डार्क ब्राउन कलर के अंदर टाइल्स इंग्लिश मोजस। व्यूअर्स अगर हम इस घर की प्राइस के बारे में बात करें तो जिस तरह ये इसको खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है और सॉलिड वुड और सॉलिड मटेरियल के साथ बनाया गया है, ये इसको आम रूटीन में नॉर्मली नहीं बनाया गया, ख़ास तौर पर डिज़ाइन करके ख़ास मटेरियल सिलेक्शन के साथ इसका पेंट हर चीज़ लगाई गई है। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो इसकी जो आस्किंग प्राइस है वो 10,25,00,000 रुपया वो की जा रही है। मेन बुलेवर्ड रोड के ऊपर ये टॉप सिटी 1 के अंदर ये खूबसूरत घर है,
और इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइन किया है और न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ बहुत खूबसूरत ये सोसाइटी टॉप सिटी वन है। तो इसकी जो परचेजिंग के हवाले से आप मेरे दिए गए कंपनी नंबर पर मेरे साथ रابطہ कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।